हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का रोटेशन लेके आया हूँ जो कि असम राइफल की तरफ से आया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023। तो दोस्तों ये पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का। ठीक है, तो असम राइफल की तरफ से ये 2023 में पहला एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 इज 19 मार्च 2023। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होने वाला है आप लोगों का 19 मार्च। ठीक है, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज से। ठीक है, मतलब 17 फरवरी से, तो आज से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग आज से ही मतलब 17 फरवरी से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो आज से ही। ठीक है, तो नीचे चल रहे हैं दोस्तों, कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 इज टेंटेटिव शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड फॉर एनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी अगेंस्ट 616 वैकेंसीज। तो दोस्तों इसका रैली स्टार्ट होगा आप लोगों का 1 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी कर रखना। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि इसका रैली स्टार्ट होगा 1 मई से। ठीक है, 1 मई से ही इसका रैली स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखना। और दोस्तों इसके लिए टोटल वैकेंसी है 616, मतलब 616। तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 616। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा एप्लीकेशन फीस, आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो ग्रुप बी के लिए आप लोगों को 200 रुपीज़ पे करना होगा और ग्रुप सी के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एप्लीकेशन फीस उन लोगों ने यहाँ पे मंगा है 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। ठीक है, ग्रुप बी के लिए 200 एंड ग्रुप सी के लिए 100। और ये फीस आप लोगों को ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, मतलब आप लोग अपना ATM से पे कर सकते हो, UPI से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जैसा आप लोगों का सुविधा है वैसा ही आप लोग एप्लीकेशन फीस को पे करना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों आप लोगों का PET PST एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले डीफू, उसके बाद कार्बी आंगलोंग आसाम, उसके बाद सुकोबी नागालैंड, उसके बाद डिमापुर पे होगा, उसके बाद सिलचर, उसके बाद मसिमपुर आसाम पे होगा, उसके बाद हाफलोंग पे होगा, उसके बाद जोरहाट, उसके बाद लोइटखोर शिलोंग मेघालय पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल टेस्ट सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सब कुछ होगा, रिटन एग्जाम भी होगा, आप लोगों का फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, तो इन्हीं सेंटर के बीच आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे बहुत सारा सेंटर्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों मेन एज लिमिट। ठीक है, तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए आप लोग 18 to 23 ईयर्स तक आप लोगों का एज लिमिट दिया है और कुछ कुछ पोस्ट के लिए 18 to 25 ईयर्स तक आप लोगों के लिए एज दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि उसके साथ ही एज रिलेक्सेशन भी दिया हुआ है। एज रिलेक्सेशन मतलब OBC के लिए 3 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड ST के लिए, SC और SC के लिए 5 ईयर्स यहाँ पे एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो OBC के लिए 3 ईयर्स एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिजिकल फिटनेसेस आप लोगों का क्या क्या होगा। हाइट आप लोगों का मेल पे होगा 165, CS यहाँ पे आप लोग 170, नॉर्मल 80 ऐसा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। ठीक है, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग फिजिकल टेस्ट आप लोगों का कितना होगा, तो फिजिकल टेस्ट आप लोगों का रन होगा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। ठीक है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8:30 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। और अदर्स रीजन्स के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रन करना होगा और उसके बाद फीमेल्स के लिए 800 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे फिजिकल
रन होगा आप लोगों का। उसके बाद मेन आता है तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टेट एंड ब्रिज रोड्स के लिए यहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है मैट्रिक, ठीक है, मतलब 10 पास चाहिए, ठीक है, ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए। उसके बाद बी, उसके बाद सेकंड नंबर पोस्ट है दोस्तों ट्रेड रिलीजन टीचर्स, ठीक, इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट विद माध्यमिक इन संस्कृत और प्रोफेशन इन हिंदी, ठीक है। तो एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लर्क के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्लर्क के लिए 10+2 मतलब हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों का कंप्यूटर स्किल टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप लोगों का टाइपिंग जरूरी है, आप लोगों का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैट्रिक पास विथ आप लोगों का डिप्लोमा चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 12 पास और इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ सब लोगों का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, ऑपरेटर रेडियो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों रेडियो मैकेनिक, तो रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे सिर्फ मांगा है 10 पास विथ डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12 पास मांगा है विथ स्किल्ड नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो एज लिमिट रखा है 18 to 25। तो आप लोग ये वीडियो को पोस्ट करके या तो आप लोग ऑफिशियल एडवर्टाइज को डाउनलोड करके आप लोग क्लियरली देख लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए आप लोगों का 10 पास चाहिए सिर्फ, ठीक है, साइंस में आप लोगों का 10 पास होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए। उसके बाद वेटरनरी एंड फील्ड असिस्टेंट्स के लिए आप लोगों का 12 पास चाहिए, ठीक है, विथ साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। बट फार्मासिस्ट के लिए 12 पास विथ डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट पे आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट तो वाशरमैन, इसके लिए सिर्फ 10 पास चाहिए, ठीक है, ओनली 10 पास होने चाहिए आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट तो फीमेल सफाई, इसके लिए भी सिर्फ 10 पास। उसके बाद बर्बर कुक मेल सफाई, इसके लिए सिर्फ इन सब के लिए सिर्फ 10 पास चाहिए, ठीक है, और एज लिमिट दिया हुआ 18 to 23 ईयर्स, ठीक है, इन सब के लिए वाशरमैन फीमेल सफाई एंड बर्बर एंड कुक के लिए, ठीक है, तो सिर्फ 10 पास होने चाहिए आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एक्सरे असिस्टेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके बाद एक्सरे असिस्टेंट, इसके लिए आप लोगों को 12 पास से विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एज लिमिट दिया हुआ 18 to 23 ईयर्स, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। उसके बाद थ्रेड प्लम्बर के लिए यहाँ पे सिर्फ 10 पास चाहिए विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आप लोगों का ITI सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड सर्वायर, इसके लिए भी सिर्फ 10 पास चाहिए विथ ITI, ठीक है। उसके बाद ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे सिर्फ 10 पास मांगा है विथ ITI डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिल्टर सिग्नल, यहाँ पे सिर्फ 10 पास मांगा है। उसके साथ ही आप लोगों का साइंस मैथ्स इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट पे। उसके बाद लाइनमैन फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 पास मांगा है विथ इंडस्ट्रियल, मतलब ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल, इसके लिए भी आप लोगों का ITI चाहिए विथ 10 पास। उसके बाद लास्ट पोस्ट जो ड्रग मेंस, दोस्तों ड्रग्स मैन, ठीक है, तो इसके लिए 12 पास है विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे मांगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैकेंसीज को ऐसा कुछ डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग ऑफिशियल एड्रेस को डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकान।